हम इसकी प्रतीक्षा कर रहे थे कहीं एक साल से, एक साल के पहले से ये फिल्म बनी हुई है और इसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। पहले के जो सेंसर के अध्यक्ष थे पहलाज नीलानी, उन्होंने इसको रोक के रखा था, उसकी वजह कुछ भी हो, मगर प्रसून जी आए और ये पिक्चर आज रिलीज हो रही है। बस मुझे पूरी आशा है कि हिंदुस्तान की पूरी जनता का हमें आशीर्वाद मिलेगा, लोग बड़ी संख्या में आके पिक्चर को देखें। पिक्चर की स्टोरी बहुत अच्छी है, सामाजिक स्थिति पे आधारित ऐसी ये फिल्म है। उसमें मोदी जी का किरदार, प्राइम मिनिस्टर का जो किरदार है, बखूबी हमने बहुत अच्छा निभाने की कोशिश की है। अच्छा हुआ ये रोल अच्छा है या नहीं है, फिल्म अच्छी है या नहीं है, ये आप सब देखोगे और उसके बाद में आपकी प्रतिक्रिया हम जानने की उत्सुक है, यही कहना चाहूँगा। बस आप देखें, आपका आशीर्वाद हमारे साथ रहे। 600 थिएटर से ज़्यादा में लगी है और तमाम प्रतिसाद मिल रहा है, दर्शकों का प्यार आशीर्वाद मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? खुदी हो रही है कहीं ना कहीं, उन्हीं अंदाज में। वैसे तो आज बहुत बड़ी बात है, 600 सिनेमा घर में आज ये पिक्चर रिलीज़ हो रही है। मेरे ख्याल से यूपी है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तरांचल है, झारखंड है, पंजाब है, गुजरात है, ऐसे बड़े बड़े शहरों में आज ये पिक्चर लगी हुई है और मुझे लगता है कि बहुत चलेगी। वापस एक बार कहूँगा कि आप लोगों का आशीर्वाद ही बहुत ज़रूरी है। फिल्म के डायरेक्टर तुषार, क्या कुछ कहना चाहेंगे, कैसा रहा एक्सपीरियंस आपका और आखिर वो थिएटर तक पहुँचा ही नहीं है, क्या कहना चाहेंगे? मुझे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा इसमें, ये पूरी टीम की मेहनत है, सुरेश झा जी की मेहनत है, एंटायर टीम ने इसमें बहुत एफर्ट किया है, सबकी मेहनत है, फाइनली हम इस मुकाम पे पहुंच गए हैं कि फिल्म रिलीज़ हो गई है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी मिल रही है इस चीज़ से, हमारी एक डेढ़ साल की जो मेहनत है वो आज रंग लाई है। एंड में ज़रूर दर्शकों से करूँगा कि हमको पूरा प्यार दें, आशीर्वाद दें, ताकि हम मोदी काका का गाँव पार्ट टू भी आपके सामने ला सकें, उसको पूरा प्यार दें। सुरेश जी मेन नायक, सुरेश जी इस फिल्म के और तमाम पेन इन्होंने झेला है, तकलीफें, क्या कुछ कहना चाहेंगे, आज थिएटर में लग जाएंगे? हाँ, नहीं, बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। जो हमारा मकसद था, जो मेरा ऑब्जेक्ट था, वो ऑब्जेक्ट कहीं कंप्लीट होता मुझे दिख रहा है। मुझे बहुत खुशी होगा कि हमारी देश की जनता हमारी मोदी जी के प्रति अपना विश्वास और मजबूत करेंगे इस फिल्म को देखने के बाद, यही मेरा मेन मकसद है। और सुनिए जी, आखिरी सवाल, चलते चलते कांग्रेस के कुछ लोगों ने मोदी जी के पोस्टर भी फाड़े और कहीं ना कहीं आपके ऊपर आरोप भी लगाया कि पीएम के आप डीआरओ हैं, क्या इस तरीके का, क्या कुछ कहना चाहते हैं? हाँ देखिए, सबकी अपनी अपनी सोच है, मैं जो कर रहा हूँ वो मैं एकदम निष्पक्ष भावना से कर रहा हूँ, वो लोग अपने अपने राजनीति कर रहे हैं, तो उससे मैं उस पर कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। मुझे अच्छा लगा ये कि ये लोग इतना ज़्यादा एक्साइटेड फिल्म को लेकर के हो रहे हैं, बहुत बढ़िया है। एक बार फिल्म देखेंगे तो उनको भी बहुत खुशी होगा, क्योंकि हमने देश के विकास के लिए बात किया है। तमाम ये आरोपों के बाद भी आपने उनको क्षमा कर दिया, कहने का मतलब है आप मैं देश की विकास को ही देखता हूँ। मोदी जी कभी भी किसी के निगेटिव नहीं सोचते हैं, हमें तो मात्र देश की विकास को देखना है और हम वही देख रहे हैं। जी मैडम, आप क्या कहना चाहेंगे, इस फिल्म को लेके कितनी खुशी हो रही है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं इस फिल्म को लेके बहुत ही जागरूक हूँ और मैं सभी डायरेक्टर, चेयरमैन और जो भी फिल्म में जुड़े हुए हैं और हमारे कुछ कार्यकर्ता भी इस फिल्म में जुड़े हुए हैं मीरा भाईंदर के, तो मुझे और दुगनी खुशी है कि हमारे मीरा भाईंदर के कार्यकर्ता भी उसमें जुड़े हुए हैं, उन्होंने पार्टिसिपेंट किया है। उन सभी पूरी टीम को मैं शुभकामनाएं देती हूं और उनके आगे के फ्यूचर के लिए मैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं और ऑल द बेस्ट बोलती हूं। वैसे भाई और बहनों,